यहाँ पे मजलिस का मामला आता, इलेक्शन का मामला आता, मैं अपनी जान को कुर्बान करने तैयार हूं, मगर मजलिस के कैंडिडेट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फराज इलेक्शन लड़ रहा है जीतने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुबहानहू ताला आपके दिलों में मजलिस की मोहब्बत डालेगा। और 30 नवंबर के दिन अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन फराज यहां से आपका जुबली हिल्स का नया एमएलए होगा। ये क्रिकेट प्लेयर इन्हों आए हैं, इन्हों रिटायर्ड हर्ट होके चले जाते वापिस, कुछ होने वाला नहीं है इनसे, मैं जानता हूं इनको। आप किसी क्रिकेट प्लेयर को पूछिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के कि क्या तबाही और बर्बादी वहां पर मचाई गई थी, किस तरह हैदराबाद क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अफसोस तो मेरे को इस बात का होता कि ये क्रिकेट प्लेयर खुद एक गरीब खानदान से निकलकर क्रिकेट की दुनिया के आसमानों तक पहुंच गए, भारत के कप्तान थे, आज आप चेयरमैन हैं और गरीब का बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता वहां पर। मैं जानता हूं ऐसे 10 बच्चों को जो पैसे नहीं थे क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए, नहीं दिया गया उनको। मैं जानता हूं ऐसे गरीब मुसलमान बच्चों को, रोते थे मेरे पास आकर। नाम नहीं लेना चाहता मगर आपको बाखबर कर रहा हूं, वोट डालना आपका अख्तियार है, मगर आप मजलिस को वोट दिए हैं, मजलिस को वोट दीजिए। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।